एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यार, हर किसी की लाइफ में ट्रेजडीज होती हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई है। मेरी बहन ने मेरा घर तोड़ दिया। सिर्फ कुछ दिन के लिए आई और मेरी 20 साल की जिंदगी को बर्बाद करके चली गई। ये लाइन आप एक बार बोल के देखिए अपनी जबान से, फिर आपको समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। बोलिए, अगर वाकई में ये झूठ है तो बोलिए, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि सामने वाला सच्चा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सामने सच बोल रहा है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बिल्कुल गलत है। अभी हर बंदा निकल के आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि ये मत बोलो, वो मत बोलो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। सबसे पहले मैं बताती हूँ सोशल मीडिया पे कि घर का मैटर सोशल मीडिया पे क्यों लाया जा रहा है। मैं भी कहती हूँ कि नहीं लाना चाहिए घर का मैटर, कोई भी हो, आपको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। लेकिन तब आप कहाँ थे जब आपकी सेकंड वाइफ को सोशल मीडिया पे हर दिन नंगा किया गया? तब क्यों नहीं बोला गया? ये जो मिस्टर साजिद है, इन्होंने तब क्यों नहीं ये बात बोली थी? उनको सेकंड वाइफ पे तरस नहीं आया अपने पे? आपकी कॉम में, आपके यहाँ तो ये चीज जायज है, नाजायज तो थी नहीं। आपकी बीवी को हर दिन नंगा किया गया, हर दिन सोशल मीडिया पे उसको कहीं का नहीं छोड़ा गया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेट किया गया, उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोला गया, तब आपने एक बार भी आके नहीं कहा कि घर की बातें सोशल मीडिया पे ना करें, घर के मुद्दे घर में ही खत्म करें? तब आपकी जबान कहाँ थी? आप हर व्लॉग में आ जाके अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं कि पिटारा को आओ और आप गलत मत बोलो, वो गलत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये नहीं है, वो नहीं है। बिल्कुल आप हस्बैंड हो, आपको करना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी इस बात को कि इतना गंदा ब्लेम आपकी वाइफ पे लगाया और उसके बाद भी आप अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। लेकिन क्या वो आपकी वाइफ नहीं थी? आप आज भी यहाँ पे हैं, क्या आज आपकी वाइफ को आपकी जरूरत नहीं है? 9th month प्रेगनेंसी होने पे वो घर छोड़ के जाती है बंदी, और आज उसका बच्चा चला गया उसकी जिंदगी से, और आज भी आप उसके साथ नहीं है। कैसी लव मैरिज थी आपकी? थी भी या नहीं थी? या सच में जो स्टार्टिंग में आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आते थे, वो क्वेश्चन मार्क्स क्या एग्जैक्टली वो सच थे कि शादी हुई नहीं कभी? क्या ये सब कुछ व्यूज के लिए नहीं था? या आपके अंदर गैरत नहीं है? आपके अंदर गैरत नहीं है बिल्कुल भी कि आप हर अपने हर व्लॉग में जब आपकी वाइफ की सफाई देने आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप अपनी व्लॉगिंग कीजिए, आप अपनी व्लॉगिंग कीजिए। बस व्लॉगिंग ही है दुनिया में, और कुछ बाकी नहीं बचा, सब कुछ पैसा ही रह गया है आपके लिए। आपको शर्म नहीं आती एक बार भी ये सब बोलते हुए? आपको एक दिन भी नहीं लगा कि नहीं, 2 दिन के लिए व्लॉगिंग बंद करो और घर में बैठ के इस मुद्दे को शॉर्ट आउट करो? आपने कभी ये चीज रियलाइज नहीं की? नहीं की होगी। अगर की होती तो आप बार बार आके अपनी वाइफ के सपोर्ट में ये ना बोल रहे होते। मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी वाइफ का सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा हस्बैंड भगवान सबको दोए कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे, लेकिन वो सेकंड वाइफ को भी करे ना। लाए तो आप ही हो, वो कोई जबरदस्ती तो आपके घर में घुसी नहीं है, उसको आप ही लेके आए हो आपकी लाइफ में, कोई दूसरा बंदा नहीं छोड़ के गया है। और वो आप ही की है, वो आप ही के घर का मुद्दा है, उसको घर में बैठ के आज तक क्यों नहीं आपने शॉर्ट आउट किया? हर दिन उसको क्यों सोशल मीडिया पे लाया गया? जिस बेचारी का कोई कसूर ही नहीं है, वो तो कभी बोली ही नहीं, उसके साइड तो हमें पता ही नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आते हैं आंखों पे। आंखें बोल रही हैं कि मेरी जो मासी है वो ठीक है। बिल्कुल आपकी मासी ठीक है। तब आपका गैरत कहाँ गई थी जब आपका हस्बैंड आपकी पिटारा मासी को छोड़ के आ रहा था उस होटल में? तब आपकी गैरत क्यों नहीं थी? तब आपको मासी याद नहीं आई थी? तब आपने क्यों नहीं जाके कहा मासी आपके साथ ये गलत हो रहा है? क्यों नहीं आपने उस टाइम उंगली उठाई? आज आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? सच में आप उसके फेवर में हो? क्या आपको नहीं पता आपकी पिटारा मासी गलत है? उस टाइम आपकी जो दूसरी मासी है सलमा मासी, वो ठीक नहीं थी? बट नहीं, आपने तो करना था क्योंकि आपको अपना व्लॉगिंग चैनल चलाने थे, वो पिटारा के थ्रू आपके चल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बाबर पे। बाबर जी बोल रहे हैं हमेशा कि मेरे को सब लोग आके मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सब लोग आके मेरे को क्वेश्चन करते हैं। आप आंसर क्यों करते हो? मत करो आंसर। आपसे क्वेश्चन इसीलिए करते हैं ना क्योंकि आप आंसर करते हो, क्योंकि आप 24 घंटे उसके आसपास दिखाई देते हो। आप आसपास नहीं दिखाई दोगे, कोई नहीं आपसे पूछने आएगा। हमसे तो कोई नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछ?
सकता क्योंकि हम उसके आसपास नहीं है। गंदगी के में हाथ डालोगे तो गंदगी के छींटे आएंगे, तो आप देखिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपके नदीम भाई आ जाते हैं, पहले ब्लॉग में कहते हैं कि मैं सितारा का बाइकआउट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने बाइकआउट किया, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी बहन अगर गलत है तो उसका बाइकआउट किया और आपने सेकंड सिस्टर का फेवर किया। लेकिन नेक्स्ट डे आपको क्या हो गया, आपने फिर से वही चीज दोहरा दी कि नहीं, सितारा बहन भी मेरी बहन है और सलमा बहन भी मेरी बहन है। फिर आप वहीं आ गए, फिर आपकी व्लॉगिंग आ गई कि अपनी अपनी व्लॉगिंग कीजिए, ये कीजिए। यार, आप लोगों को व्लॉगिंग के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, सब कुछ डॉलर हो गया। आपकी इंसानियत, आपकी गैरत, आपकी शर्म, आपकी इज्जत, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। थर्ड, उसके बाद आते हैं आपके फारूक भाई पे। फारूक भाई, उनका भी सेम वही है। यार, आप लोगों की फैमिली है कैसी, मुझे आज तक आपकी फैमिली ही समझ में नहीं आई। कितनी गंदगी निकल निकल के आती है। आपकी सलमा बाजी भी यही बोल रही है, मैं देखो सलमा सिस्टर, मैं आपके कोई डिसफेवर में नहीं हूँ और ना ही मैं सितारा के डिसफेवर में हूँ। यहाँ बात सिर्फ वो चल रही है जो आप अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं। सलमा सिस्टर की बात करो, सलमा कहती है कि मेरे को सितारा ने धमकी दी कि तुम मर्दों से बात करती थी। मतलब आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे, क्या सिखाओगे अपने बच्चों को कि आप मर्दों से बात करती थी? कि आपने एक्सेप्ट की वो चीज? मैटर ये नहीं करता कि आपने गुस्से में की या किन हालातों में की, मैटर ये करता है आपने सोशल मीडिया पे वो बात बोली है कि हाँ मैं मर्दों से बात करती थी, मैं गलत थी, लेकिन तुमने मेरे घर में डाका डाला। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है कि 2 महीने तक आपको कुछ भी पता नहीं लगा और एक दिन अचानक आपका हस्बैंड सो जाता है और आप उसका फोन चोरी करते हो, निकालते हो और उसका सेंसर लॉक खोलते हो और अचानक से आपको इतने सारे एविडेंस मिल जाते हैं। सडनली कैसे हो गया ये सोचने वाली बात है कि सडनली आपको कैसे वो चीज मिल गई, जब तक आपके दिमाग में नहीं थी वो बात। कहीं ना कहीं कुछ तो आपके दिमाग में था। अच्छा, चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप ये सारा झगड़ा जो लेके आए हैं ये सोशल मीडिया पे क्यों है, ये अपने घर में क्यों नहीं शॉर्ट आउट किया? क्या हम लोग उस फैसले को करेंगे? क्या आपके खानदान में कोई बंदा नहीं है जो बड़ा बैठ के आप लोगों को समझाए? आपकी अम्मी आती है, आपकी अम्मी कहती है मेरी सितारा बेटी ठीक है, आंटी क्या बोल रहे हो आप, आपको अजीब नहीं लगता कुछ बोलने में? आपको कुछ भी अजीब नहीं लगता? आपने 2 बच्चों में एक बच्चे का फेवर ले लिया, क्यों नहीं आपने अपनी दूसरी बेटी का भी फेवर लिया? क्यों आपने दोनों बेटियों को बराबर नहीं किया? आप खुद अपने ब्लॉगिंग में बोल रहे हो कि मेरी जो सलमा बेटी है वो बड़ी अदब वाली है, जब आप जाती थी तो आप क्या कहती थी, अम्मी बैठो, और आज वो कहती है रिएक्शन दो, नहीं आए हो मेरे पे, रिएक्शन दोगे। आपको समझ में आया कि आपकी बेटी आपके खिलाफ क्यों हो गई? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि ये कैसी फैमिली है जिसमें सिर्फ रिश्ते पैसों के लिए हैं। सिंगल एक बंदा आपकी फैमिली में ऐसा नहीं है जो एक मतलब तरीके की बात करता हो, एक इंसानियत की बात करता हो या एक तजुर्बे की बात करता हो, कोई नहीं है। आपकी फैमिली में सिर्फ एक व्लॉगिंग रह गई है, व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगिंग, दैट्स इट, डॉलर्स 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 अपने मरे हुए बच्चे पे कमा लिया, पूरा खानदान निकल के आ गया। पूरा खानदान का कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसने उस बच्चे पे नहीं कमाया। किसी ने कौसर को तो नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया भाई? कॉपीराइट सिर्फ उस बच्चे का था, उस लेडी का नहीं था जिसका वो बच्चा था। किसी ने उसके दर्द को तो शेयर नहीं किया, क्यों नहीं किया? और ये मैटर ना सिर्फ 2 ही चीजें हैं, ये जो मैटर आपका निकल के आया है ना, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी सच्चाई है। ये मैटर सिर्फ 2 वजह से, या तो कौसर को दबा दिया जाए, क्योंकि आज के टाइम में लोग कौसर के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सितारा ने कौसर का बच्चा मार दिया, लोग बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूं ऐसा, लोग बोल रहे हैं, आपके ऊपर वीडियोस बनाई जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हाँ कौसर का बच्चा आपने मार दिया। मैं भी बोल रही हूँ कि आपने उस पर डॉलर कमा लिए, पूरे खानदान ने आपके ने डॉलर कमाए। तो या तो आपको लग रहा है कि कौसर कहीं ना कहीं फेम ले जा रही है तो आप उस चीज को रोक रहे हैं, या फिर आपने जैसे सितारा को रातों रात आसमान पे पहुंचाया था सेकंड वाइफ, तो कहीं सितारा भी तो सेकंड वाइफ नहीं बनने वाली है? ये सोचने वाली बात है कि वापस वही कहानी तो नहीं दोहराई जा रही है जो पिछले 9-10 महीने पहले दोहराई गई है? अगर किसी के 2-3 हजार व्यूज नीचे जाके और 10-20 हजार व्यूज ऊपर आ रहे हैं और जिस तरह से चीजें हाइक हो रही हैं, लग रहा है लाखों जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट तो नहीं कर रही है अपने आप को? सोचने वाली बात है।
सब लोग, कोई सितारा का फेवर कर रहा है, कोई सलमा का फेवर कर रहा है, मैं किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ। मैं जो व्लॉग में दिख रहा है सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ, जो आप लोग दिखा रहे हो। मैंने ना कहीं से कोई आपके बारे में जानने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली क्या है, या ना ही मैं कुछ ऐसा है कि आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। मुझे कुछ नहीं बनाने का शौक है, और बोलने के लिए अगर बोले कि आप क्यों बोल रहे हो तो मेरे राइट्स हैं। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे हूँ, मैं भी मैसेज देती हूँ, जैसे आप सोशल मीडिया पे हो और मैसेज देते हो, सेम थिंग मेरी भी है, मैं भी मैसेज ही देने निकली हूँ, तो क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को सही और सच बात बताऊं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। एक चीज और, मिस्टर साजिद ने बोला है कि अच्छी ब्लॉगिंग कीजिए, अपना कंटेंट लाइए, लोग यहाँ एंटरटेन करने आते हैं, खुश होने आते हैं, ये आप रोना झीकना मत दिखाइए। मिस्टर साजिद, इतने टाइम से हो क्या रहा है? हम तो हर दिन रोते हुए देख रहे हैं आपकी वाइफ को, आपकी फर्स्ट वाइफ बस रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो ये चीज आप घर में नहीं समझाते क्या? ये आपकी चलती नहीं है? जरा बताइएगा, प्लीज आंसर कीजिएगा, आपकी चलती नहीं है या आपको आपने घर पे कभी बताने की कोशिश नहीं की? क्या सब सारे मैसेजेस हम लोगों के लिए हैं या बाकी जनता के लिए हैं? और जिन औरतों को आप बैठ के गालियां देते हैं ना, ये आपके संस्कार दिखाते हैं कि आप किस कैसे संस्कारों से परवरिश हुई है आपकी। आप लेते हैं और रिएक्शन देने लगते हैं। मैं कहती हूँ आपको बोलना भी नहीं आता, आपको तो ढंग से बोलना भी नहीं आता जो आप रिएक्शन देने बैठ जाते हो, और वो भी लेडीजों के ऊपर। आप अपने भाई को जवाब देते ना, जो आपके भाई सोशल मीडिया पे आए थे, उनको क्यों नहीं आपने जवाब दिया? उनको जवाब देना चाहिए था आपको, वो भी तो आपकी बीवी को यहाँ पे लेके आए सोशल मीडिया पे। बीवी तो आपकी खुद आई थी, वो तो सच लेके आए थे अकॉर्डिंग टू ही। मैं वो भी नहीं कहूंगी कि वो सच था, मैं उसको भी नहीं कहूंगी, मैं किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, कौन कैसा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन जो ये सारा आपने एटमोसफेयर क्रिएट किया है, ये है तो सारा कुछ व्यूज का चक्कर, ये कुछ भी नहीं है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है हिसाब से मेरे। ये मेरे अपने व्यूज हैं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रही हूँ, मेरे अपने व्यूज हैं कि यहाँ कोई मैटर है ही नहीं। यहाँ अगर मैटर है तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज हैं जो आप लोगों को चाहिए, जिसके लिए आप और आपकी पूरी फैमिली, पूरा खानदान आपका भूखा है, सिर्फ व्यूज और डॉलर्स। आपको कोई मैटर नहीं करता आपके बच्चे किस ओर जा रहे हैं, उनकी स्टडीज से आपको कोई मतलब नहीं है। आप क्या बोल के आए थे गांव से कि आपको बच्चों के एडमिशन कराने हैं? आपकी वाइफ ने क्या बोला था कि मेरे हस्बैंड इसलिए जा रहे हैं मेरे साथ और उसके बाद परमानेंट छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है मिस्टर साजिद कि अगर इस बात में कहीं सच्चाई है तो परमानेंट वाकई में आप छोड़े जा रहे हैं और आप आज उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वाइफ की गंध छुपाने के लिए? तो कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है। अगर सलमा के साथ गलत हो रहा है तो मेरी पूरी सिंपैथी बाय हार्ट उनके साथ है। कौसर के साथ गलत हुआ है ये सारी दुनिया देख रही है, मैं बिल्कुल, मेरी सारी सिंपैथी उसके भी साथ है। और इसके अलावा रह गई आपकी सो कॉल वाइफ मिस सितारा, तो वो तो माशाल्लाह कुछ अलग ही चीज है। ऊपर वाले ने ना आपको बड़ी सोच के बीवी दी है, और जब आपकी वाइफ पे कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी ना, तो उसमें एक आपका नाम आया था कि आप ही अपनी वाइफ को लेके जाते थे। जरा चेक कर लीजिएगा, आपके हेटर्स ने बोला है कि आप अपनी वाइफ को लेके जाते थे उन जगहों पे। मैंने जब, क्योंकि मैं आपकी कोई हेटर नहीं हूं, तो मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ, आज भी देखती हूँ, तो मेरे मन में एक चीज आई, नहीं यार कोई हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकता है अपनी वाइफ से इस तरह की, छी छी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से आज आप रिएक्ट कर रहे हो ना मिस्टर साजिद, आज पक्का लगता है कि शायद आपने ऐसा कुछ किया होगा, आज तो पक्का लग रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से आप अपनी वाइफ का फेवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फेवर ना करके घर में फेवर कीजिए जनाब, घर में अपनी बीवी को बिठाइए, घर में बात कीजिए, उनसे पूछिए कि सच क्या है और गलत क्या है, उसके बाद अपनी साली से बात कीजिए कि नहीं सिस्टर ऐसा नहीं है, और घर में इस मैटर को शॉर्ट आउट कीजिए। हम लोग आपका फैसला करने नहीं आ रहे हैं, फिर आपको हम लोगों को गालियां निकालने लगते हो कि कमेंट सेक्शन में कमेंट मत कीजिए, ये मत कीजिए। अरे भाई, जब आप दिखा रहे हो तभी तो हम कमेंट कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कमेंट करने जाते हैं आपको, आप दिखा रहे हो इसलिए हम लोग कमेंट कर रहे हैं। और एक चीज और मिस्टर साजिद, मैं आपको बोलूंगी, तमन्ना आपकी भी बेटी थी, आपने उसके बारे में बोला है ना कि आपकी बेटी 7-8 साल हमारे पास रह के गई और हम बाद में उसके बारे में कुछ गलत बोले, तो तमन्ना आपके लिए बिल्कुल तैयबा जैसी होनी चाहिए थी, आपके मुंह में तो ये शब्द ही नहीं आने चाहिए थे। आप अपनी वाइफ का कंपैरिजन तमन्ना से नहीं कर सकते हैं, आपने तमन्ना के बारे में बोल दिया, वो इतनी प्यारी सी, इतनी पाक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, वो उसको आप जवान बोल रहे हो, अभी वो जवानी की दहलीज पे नहीं पहुंची है,
अभी नहीं पहुंची है वो, उसको शायद मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपकी बात बड़ी कर देती हूँ। हो सकता है आपके यहाँ इतने बड़े बच्चे को जवान बोल दिया जाता हो, तो अभी वो जवान है नहीं मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगर वो जवान है भी तो आपके लिए तो वो तैयबा जैसी होनी चाहिए थी। आपको ये शब्द शोभा नहीं दे रहे थे आपने जो बोल दिया कि नहीं हमने तमन्ना के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप बोल भी नहीं सकते। थोड़ा सा ऊपर वाले से डरिए, जवाब यही देने हैं सबको देने, कल आपकी भी बेटी बड़ी हो रही है, वाइफ ने तो आपकी थुका के ही रखा है, बेटी ना थुका दे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।